अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ुहैर अली खान, आप देख रहे हैं ऑटोनॉच एंड टुडे वी हैव स्टार्टेड अ वीकली सीरीज़ फॉर यू जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट ऑटोमोटिव न्यूज़ है उससे हम आपको आगाह करें। सो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर और कुछ मेजर न्यूज़ भी है। सबसे पहली जो अच्छी बात है वो ये कि पेट्रोल प्राइसेस कॉन्स्टेंट रहीं इस हफ्ते, वो इम्पैक्ट नहीं हुई जो आपके सुनने में आ रहा था कि वो 270 रुपये पर चली जाएंगी, और हमने देखा कि एक वो गलत न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हुए रोडों पे, बट फॉर्चुनेटली इस हफ्ते प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डेफिनेटली बढ़नी तो हैं, 270 तक का फिगर है जो कि एक्सपेक्टेड है जिस पे जाना है, बट इस हफ्ते फॉर्चुनेटली प्राइसेस नहीं बढ़ी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि एक सुजुकी की गाड़ी, सुजुकी ऑल्टो 660 cc, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और कंज्यूमर इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी फ्यूल एवरेज की वजह से, उसके जो 2019 से लेकर 2021 तक के मॉडल हैं उसमें एक मेजर रिकॉल आया है। वो ये कि जो उसका फ्लेंच का पाइप है जहाँ से फ्यूल ट्रैवल करता है टूवर्ड्स द फ्यूल टैंक, उसके अंदर जो है वो रस्ट आने की शिकायत है, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल का सेल होता है, उसका फिल्टर होता है, वो क्लॉग्ड हो जाता है और आपके इंजन तक पूरा फ्यूल नहीं पहुँच पाता और उसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसको कंसिडर करते हुए सुजुकी ने ये रिकॉल दिया है कि जितनी भी आपने जिस भी डीलरशिप से अपनी गाड़ी खरीदी है, आप वहाँ जाके इस पाइप को फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करवा सकते हैं। सो ये है दूसरी न्यूज़। जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि होंडा की एक बहुत प्रोमिनेंट क्रॉसओवर SUV जो के है होंडा वेजल, उसका पाकिस्तानी वर्जन जिसको HRV के नाम से पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, वो पहले CBU यूनिट में अवेलेबल था, बट अब उसका एक नया मॉडल टेस्ट किया जा रहा है जो कि कैमोफ्लेज हुआ हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जगह पे इसको स्पॉट किया गया है। वो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है और बहुत जल्द आप देखेंगे वो पाकिस्तान में अवेलेबल होगी परचेज़ करने के लिए। इस ये क्रॉसओवर SUV की प्राइस जो है वो होंडा सिविक से नीचे टारगेट करी जाएगी एंड ये जो है अगस्त या सितंबर के अंदर लॉन्च करी जाएगी। तो अगर आप क्रॉसओवर खरीदना चाह रहे हैं तो आप बहुत जल्द आपके लिए ये होंडा HRV का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। उसके बाद जो न्यूज़ है वो है MG3 को लेके। तो 2 साल पहले तकरीबन जावेद आफरीदी साहब जो कि MG को पाकिस्तान लाने में जिनका एक बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने 2 साल पहले एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने ऑडियंस को MG3 दिखाई थी, MG का मॉडल 3, जिसमें लोगों से उन्होंने पूछा था कि इसकी गाड़ी की क्या प्राइस होनी चाहिए एंड अगर ये 1.5 मिलियन से नीचे हो तो कैसा रहेगा। तब भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि 1.5 मिलियन से नीचे ये गाड़ी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे 1.5 मिलियन की सुजुकी ऑल्टो हुआ करती थी। तो ये MG3 जो थी, इसकी जो डायमेंशन वगैरह थी वो थी सुजुकी स्विफ्ट के बराबर की, तो उस टाइम पे भी 1.5 मिलियन इसकी प्राइस पॉसिबल नहीं थी। इस हफ्ते हमने देखा कि जावेद आफरीदी साहब ने फिर एक और पोस्ट लगाया है जिसके अंदर उन्होंने MG3 की फुटेज दिखाई है और लोगों से पूछा है कि ये कौन सी गाड़ी है और इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। तो उसकी प्राइस उन्होंने फिर एक सजेशन मांगा है, तो मेरे हिसाब से जो उसकी प्राइस होगी, इधर पब्लिक कुछ भी सजेस्ट करे पब्लिक तो चाहेगी कि वो कम से कम प्राइस में हो, बट मेरे ख्याल से उस गाड़ी की प्राइस 3 मिलियन टू 3.5 मिलियन होनी चाहिए, क्योंकि वो सुजुकी स्विफ्ट को डायरेक्टली कम्पीट करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी MG3 को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर की गाड़ियाँ पाकिस्तान में वैसे ही बहुत कम है और लोग चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो। तो अनफॉर्चुनेटली अगर ये गाड़ी भी पाकिस्तान में आएगी तो ये 3 मिलियन से कम नहीं होगी एंड वी स्टिल हैव सेम ऑप्शन इन द कॉम्पैक्ट कार्स कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास एक सुजुकी ऑल्टो है जो कि थोड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, बट उसके अंदर हमारे पास सुजुकी वैगनार भी आ जाती है। कल्टस अब कहीं हद तक अफोर्डेबल नहीं रही क्योंकि वो 27 लाख रुपये पर चली गई है, उसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरे सेडान ऑप्शन हैं जिसमें चंगान एल्सपिन है, प्रोडॉन सागा है, वो कंपैरेटिवली उस प्राइस ब्रैकेट में ज़्यादा सूट करती हैं। इसके अलावा हमने एक ओशान X7 का ऑफिशियल टेस्ट ड्राइव रिव्यू अपलोड किया है, आई होप आपने वो देखा होगा। सो वो वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों ने ओशान X7 ख़रीदनी है या ख़रीद चुके हैं और उनको उनके फ़ीचर्स यूज़ करने नहीं आते या उन्होंने कोई चीज़ ऐसी मिस कर दी है जो इम्पॉर्टेंट थी उनके लिए और वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना मिस कर गए थे शोरूम के ऊपर। तो आई बिलीव वो वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, हम उसके बारे में और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे जल्दी, बहुत जल्द कुछ कंपेरिजन्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो ये थी इस वीक की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने आपको अभी बताई। हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीकली अपडेट्स को कंटिन्यू करें और आपके पास हर वीक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आते रहें। अगर आप कोई वीडियो पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं एंड हम श्योरली कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपके लिए जल्द अज जल्द लेकर आएँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।